टॉप 10 सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है? अच्छे से समझेंगे क्या कह रहा है और कैसे करेंगे, ध्यान से। इफ टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और इसमें क्या दिया है, इफ टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू फाइव, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये मैं करा रहा हूँ, ये आपको करना है, ठीक है? देखो कैसे करेंगे, हम ले लेते हैं जो दिया हुआ है, ठीक है, जो गिवन है। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है जी टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू कितना है, टू। हमें क्या निकालना है, ध्यान से देखो, स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर निकालने का एक ही तरीका है कि इसका स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है? तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया। तो क्या आएगा, क्या आएगा भाई, ध्यान से देखो, टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू का स्क्वायर, क्लियर है? अब यहाँ पे क्या लगा, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए टेन थीटा इंटू कोट थीटा, और टू का स्क्वायर कितना होता है, फोर। तो यहाँ से देखो क्या आ गया, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस टू इंटू टेन थीटा, ऐसे ही रहा टेन थीटा, ऐसे ही रहा, कोट को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन टेन इज इक्वल टू कितना आ गया, फोर। अब देखो इससे ये कट गया, तो यहाँ से क्या बचा, टेन टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस टू इक्वल टू वन। हमें क्या चाहिए, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो इस टू को कहाँ ले जाएंगे, वहाँ पे। तो क्या जाएगा, ध्यान से देखो, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू फोर माइनस टू। तो हमसे क्या पूछ रहा है, इसकी वैल्यू, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ गया, टू। और हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख दूंगा, अब देखो यहाँ पे अंडर रूट है, तो दोनों तरफ अंडर रूट कर दो, तो ये अंडर रूट चढ़ा दिया और ये अंडर रूट चढ़ा दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट टू। आई बात समझ में, बहुत ही सिंपल और बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 10 था। उम्मीद करता हूँ कि ये 10 क्वेश्चन में आपके 10 कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे, और आपने अपनी ईमानदारी से जो 10 क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिए होंगे वो सब आपने कर लिए होंगे। अगर नहीं भी किए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ ये 10 क्वेश्चन हो इन्हीं को कर लो अच्छे से, आपके सारे कंसेप्ट रिकवर हो जाएंगे, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर लोगे। अच्छे से देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपके एक और लाइक और सब्सक्राइब करने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, मतलब आपको, मेरे को बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो अच्छे से नोट डाउन कर लेना, और इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और अच्छे से बिना डरे बिना एंजाइटी के तैयारी करते रहिए, ठीक है? नोट डाउन कर लो इसको।